हाय ऑल, वेलकम टू एस्ट्रो टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि पर, जो कि सूर्य राशि पर आधारित है। शुरुआत करते हैं एरीज के साथ। एरीज, ऐसा लग रहा है बड़े बड़े डिसीजंस आप मेक करने वाले हैं जो लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। ये रिलोकेशन या पॉसिबिलिटीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को, ओवरसीज को भी दिखाता है। ओवरऑल आई वुड रेट इट एज अ वेरी गुड वीक। और आप बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं, पॉजिटिव फैसले आप लेने वाले हैं। अगली राशि है टॉरियंस। टॉरियंस आपका किसी से मिलने का प्लान बन सकता है, किसी से आप मीटिंग कर सकते हैं, और हो सकता है ये आपकी लव इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। तो मे बी लाइक यू नो, आप ये सोच सकते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या यू नो हस्बैंड एंड स्पाउस मीटिंग दिख रही है, एक प्लेजेंट मीटिंग दिख रही है, लेकिन हो सकता है रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी हों। तो इस मीटिंग को मटेरियलाइज करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े या काफ़ी लोगों से लाइक यू नो सलाह मशवरा करना पड़े या उनको कन्विंस करना पड़े। सो घबराइए मत, संघर्ष है तो जीवन है, और अगर आपने इंतज़ार किया और अगर आपने ठान लिया है तो आप ज़रूर अपने यू नो पार्टनर से मिल पाएंगे। अगली राशि है जेमिनाइज। जेमिनाइज, ऐसा लग रहा है अब आप चाहते हैं कि आपके लिए सामने वाला एफर्ट डाले, रिलेशनशिप हो या आप फ्रेंडशिप में हो या आपके रिलेटिव्स हो, आप चाहते हैं कि रेसिप्रोकेशन हो। आपने बहुत लीड ले ली है, आप चाहते हैं सामने वाला भी आपको परस्यू करे, और अगर वो आपको वैल्यू करते हैं तो वो भी उतनी ही जी जान लगाएं आपको पाने के लिए जिस शिद्दत से आप उनसे प्यार करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं लेके चलना चाहते और चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप्स फेयर हो। ओवरऑल आई सी अ गुड वीक अहेड फॉर यू। अगली राशि है कैंसेरियंस। कैंसेरियंस काफ़ी स्टेबिलिटी वाला वीक है, काफ़ी प्रैक्टिकलिटी से भरा हुआ वीक है। काफ़ी सारा धन हो सकता है आपको कहीं से मिल जाए या ऐसी कोई प्लानिंग हो जिससे आगे जाके धन मिले। तो करियर फाइनेंसेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सॉलिडारिटी के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह जाने वाला है आपका। अगली राशि है लियो। लियो, ऐसा लग रहा है आप काफ़ी सारी पार्टी करने वाले हैं, काफ़ी सारे सोशलाइज करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है आप किसी चीज़ को या किसी इंसान को मिस कर रहे हो, लाइक यू नो भीड़ में भी अकेले होने वाली बात। सो ओवरऑल काफ़ी हैपनिंग फन लविंग वीक जाने वाला है आपका, लेकिन हो सकता है किसी की कमी आपको थोड़ी सी खली। सो डोंट वरी, इन्जॉय द जॉयज ऑफ लाइफ, और आप जिसको मिस कर रहे हैं वो भी जल्दी ना जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है और आपकी सारी कमियों को दूर करने वाला है, एंड इमोशनली सेटिस्फाइड आपकी लाइफ होने वाली है। सो इन्जॉय द गुड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगली राशि है वर्गो। वर्गो, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार कर रहे हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इससे मैंने क्या सीखा, इसका क्या मतलब था, ऐसा कर सकते थे क्या, वैसे सब कर सकते थे। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आप ये सब जो है ना एक हील होने के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो। आप ये जो सब कर रहे हो ना, सब अंदर से मजबूत बन रहे हो, करेजियस बन रहे हो, आप बोल्ड डिसीजंस ले पा रहे हो। तो जो भी आप आत्ममंथन कर रहे हो या कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को निखार रहा है। सो काफ़ी पॉजिटिव सप्ताह मैं मानूंगी अगर आप अपनी यू नो मानसिकता को, अपनी यू नो डिसीजन मेकिंग पावर को और अपने आप को मजबूत करने वाला सप्ताह आपका जाने वाला है। अगली राशि है लिब्रा। लिब्रा, बहुत ज़्यादा शादी कमिटमेंट के कार्ड्स आ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के कार्ड्स आ रहे हैं। सो मुझे लगता है प्यार और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से भरा होने वाला, खुशियों से भरा होने वाला, हंसी खुशी से भरा जाने वाला है ये सप्ताह। तो मैं कहूँगी सुपर से ऊपर है, एक्सेलेंट है आपका आने वाला सप्ताह। अगली राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई जल्दी आपको कोई खबर मिलने वाली थी वो आ जाए, या हो सकता है आप थोड़ा सा इम्पेशेंट सा फील करें। ओवरऑल अगर आप फ्रेंड्स और अपने नेबरहुड की बात करें तो उनके साथ आपका अच्छा टाइम बीतने वाला है, हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलें, ग्रुप एक्टिविटीज़ करें। सो काफ़ी लाइक यू नो स्वीट टाइप का वीक आपका जाने वाला है, बस थोड़ा सा है जो है जल्दबाजी से आप बचना है। सेजिटेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी होने वाली है, कोई ना कोई आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा ना केयरफ्री ना होके चलें। अच्छी चीज़ें हैं आपके कार्ड्स में, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें और बेहतर से बेहतर हो सकती हैं। ओवरऑल आपका सप्ताह काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी आराम करेंगे, काफ़ी एडवेंचर करेंगे, घूमना फिरना करेंगे। सो ओवरऑल एक यू नो मज़े से भरा हुआ सप्ताह जाने वाला है आपका।
अगली राशि है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन ऐसा लग रहा है आपका मन कर रहा है कि यू नो, संसार वंसार सब छोड़ के कहीं चले जाएं। आपको हर चीज़ ऐसा लग रहा है यू नो, सब मोह माया है टाइप्स, राइट। सो इतने डिसअपॉइंट और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी ज़रूर आएगा, अंधेरे के बाद धूप का सवेरा भी ज़रूर आएगा। तो आशा को मत छोड़िए, और जब हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमको प्रयास करते रहना चाहिए। तो उस आने वाले समय के लिए प्रयास करिए, मेहनत करिए, और समय आपका साथ ज़रूर दे। अगली राशि है एक्वेरियस। एक्वेरियस मुझे लग रहा है कि घर से संबंधित कुछ हो सकता है, आप घर से संबंधित मामलों में इन्वॉल्व रहेंगे। हो सकता है कोई लेडी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। ये हो सकता है फ्यूचर प्लानिंग हो, ये हो सकता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो, ये हो सकता है कोई आप पे वॉच रख रहा हो। ओवरऑल जो सप्ताह है वो काफ़ी पॉजिटिव है घर से रिलेटेड मैटर्स के साथ, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी फीमेल ही आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस बढ़ने के कार्ड्स आए हैं। अगली राशि है पाइसिस। पाइसिस मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एक्सप्रेशन इन लव, ओके, एक्सप्रेशन इन लव की आपसे जो प्यार करते हैं या करती हैं वो काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं, आपको वैल्यू फील कराने वाले हैं, बोलने वाले हैं आपसे कैसा फील करते हैं, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें, हो सकता है कि ऐसा फील करते हो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। सो घबराइए नहीं, प्यार है, क्लैरिटी भी धीरे धीरे आ ही जाएगी। तो जिसने समस्या दी है उसने समस्या का समाधान भी दिया है। तो ये था हमारा 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। आशा है आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एस्ट्रोटॉक। टेक केयर, बाय।